हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 9th चैप्टर 2nd CBSE एंड UP बोर्ड। नेम ऑफ द बुक इज बिहाइव एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द साउंड ऑफ म्यूजिक, रिटन बाय डेबोरन कॉले। चैप्टर का नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। क्लास 9th यूपी बोर्ड और CBSE दोनों का अब सिलेबस एक ही हो गया है और बुक का नाम है बिहाइव। तो स्टूडेंट्स, का आज पार्ट 2nd हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पार्ट 1st इसका हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 2nd एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पार्ट 1st में इसमें हमने एक एबरडीनशायर जो यूके की थी उसको हमने एक्सप्लेन किया था और वो कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती है। और इसके पार्ट 2nd में जो सेनाई वादक हैं बिस्मिल्ला खान, उनको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, बिस्मिल्ला खान वो शख्सियत रही हैं भारत की जिन्होंने सेनाई को वर्ल्ड वाइड फेमस किया है। तो स्टूडेंट्स, हम सहनाई को प्रारंभ से लेकर के अंत तक इसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट 2nd द सहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, लाइन टू लाइन हिंदी और अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन। बिफोर यू रीड, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू द प्ले। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं ये आपको देखना है। और यहाँ जो हम चैप्टर में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यहाँ ये हैं जिनको उस्ताद बिस्मिल्ला खान कहा गया है जो सहनाई बजा रहे हैं। थिंक ऑफ द सहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेशन और फंक्शन। जब भी आप सहनाई के बारे में सोचते हैं तो एकदम आपके मन में एक ही बात आएगी, एक ही कल्पना होगी कि ये वेडिंग के टाइम में यानी शादी के और किसी इसी तरह के अन्य अवसर पर या फंक्शन पर बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान। उसके बाद आप समझेंगे आप किसके बारे में इमेजिन करेंगे, आप उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में इमेजिन करेंगे। द सहनाई मास्टरो प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, जो सहनाई के उस्ताद हैं और जो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। क्या कहा गया है, एम्परर औरंगजेब ने बैन कर दिया था। बैन का मतलब होता है किसी चीज़ पर रोक लगा देना। एम्परर मीन्स सम्राट, तो सम्राट औरंगजेब ने सहनाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो संगीत वाद्य यंत्र है जिसको हम पुंगी कहते हैं, उसको रॉयल रेजिडेंस में बजाने पर बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी। क्यों? फॉर माने क्योंकि इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी बहुत तीखी और अनप्लीजेंट साउंड है। अनप्लीजेंट का मतलब जो अच्छी ना लगने वाली, अच्छी ना लगने वाली एक उसकी ध्वनि है, अब वो अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उस पर बैन कर दिया था कि पुंगी को रॉयल रेजिडेंस में यानी शाही निवास। रॉयल रेजिडेंस का मतलब स्टूडेंट्स शाही निवास। रॉयल रेजिडेंस उसको कहते हैं जहाँ राजा निवास करते हैं, उसको रॉयल रेजिडेंस कहा था। तो और औरंगजेब ने, सम्राट औरंगजेब ने राजमहल में हम ये कह सकते हैं पुंगी के बजाने पर बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी। उसका कारण क्या था, क्योंकि पुंगी की जो आवाज़ थी वो श्रिल थी और अनप्लीजेंट थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडर नॉइज मेकर्स। अब पुंगी फिर क्या बन गया, जेनरिक नेम फॉर द रीडर नॉइज मेकर्स। रीडर का मतलब होता है एक प्रकार की जो बांसुरी टाइप जो चीज़ होती है जिससे बांसुरी वगैरह बनाई जाती है, रीड कहते हैं, सरकंडा कहते हैं वैसे से। तो पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड नॉइज मेकर के लिए फ्यू हेड थॉट। और कुछ लोगों ने क्या सोचा, यानी पुंगी को ये मान लिया गया कि ये नॉइज मेकर्स बजाते हैं इसको, यानी शोरगुल करने वाले लोग बजाते हैं। फियर थॉट, लेकिन कुछ ने सोचा इट वुड
वनडे भी रिव्यूड, और कुछ ने माना कि एक दिन इसका निश्चित रूप से क्या होगा, रिवाइव्ड होगी। रिवाइव्ड का मतलब इसका पुनर्जन्म होगा। क्या होता है स्टूडेंट, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक नाई होता है ऑफ ए फैमिली जो किसी ऐसे परिवार से, प्रोफेशनल म्यूजिशियन जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं, जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हैं उस परिवार से संबंधित, उस परिवार से संबंध रखने वाला एक नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो एक्सेस टू द रॉयल पैलेस में भी है, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल, उसने ये निश्चय किया कि इसकी टोन, इसके स्वर क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का उसने डिसाइड किया। क्या किया उसने, ही चूज ए पाइप, उसने एक पाइप का चयन किया विद ए नेचुरल होलो स्टेम, जिसमें नेचुरल होलो स्टेम था, जिसका खाली तना था, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो पुंगी से लंबा भी था और पुंगी से ब्रॉडर, ब्रॉडर का मतलब अधिक चौड़ा भी था। तो उसने एक ऐसे पाइप का चयन किया जो एक नेचुरल होलो स्टेम था, जो पुंगी से लंबा भी था और पुंगी से चौड़ा भी था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इस पाइप की बॉडी पर उसने कितने होल्स बनाए स्टूडेंट्स, 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, इन होल्स में से कुछ को क्लोजिंग और ओपनिंग करते हुए, यानी बंद करते हुए और खोलते हुए जब उसने बजाया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर, तो एक सॉफ्ट और मेलोडियस मीन्स संगीत में, साउंड्स मीन्स ध्वनि प्रोड्यूस, जब उसने इन छिद्रों को खोलते हुए और बंद करते हुए इस वाद्य यंत्र को बजाया, तो इससे एक सुरीली और संगीतमय ध्वनि उत्पन्न हुई। क्या हुआ, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, राज दरबार में इसको बजाया, और क्या हुआ स्टूडेंट्स, एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, हर आदमी इसके ध्वनि से आकर्षित हुआ, इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, अब देखिए पुंगी का ही दूसरा रूप था, तो इंस्ट्रूमेंट जो था वो इतना डिफरेंट था पुंगी से, हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, कि इसको एक नया नाम देना पड़ा। अब ये पुंगी नहीं थी, पुंगी का ही, पुंगी में ही कुछ अमेंडमेंट किए थे, कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन ये पुंगी से इतना डिफरेंट था कि इसको अलग से एक नाम देना पड़ा। अब अलग से नाम क्या दिया गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एज द स्टोरी गोज, और जैसे ये कहानी, सिंस इट वॉज द फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि ये कहाँ पहली बार कहाँ बजाई गई थी, शाह के कमरे में बजाई गई थी, एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और किसके द्वारा बजाई गई थी, एक नाई, नाई को बार्बर कहते हैं इंग्लिश में, एक नाई के द्वारा बजाई गई थी और शाह के चैम्बर में बजाई गई थी, इसलिए शाह के चैम्बर में बजाए जाने के कारण इसका नाम, और नाई के द्वारा बजाए जाने के कारण शाह नाई, शाह के चैम्बर में बजाई गई तो वहाँ से ले लिया शाह, नाई के द्वारा बजाई गई वहाँ से ले लिया नाई, तो दोनों को मिला करके क्या हो गया, शाह नाई, और शाह नाई से मिलकर के ये क्या बन गया वर्ड, सहनाई। तो पुंगी जो थी, पुंगी को देखिए स्टूडेंट्स, पुंगी क्या थी, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता था, और अब इस इंस्ट्रूमेंट को एक बार्बर ने, जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से जुड़ा हुआ था, उसने उसको इस तरह का रूप दे दिया। अब पुंगी और शहनाई दोनों को यदि आप देख सकते हैं, तो इसमें पुंगी का ये रूप था और शहनाई का ये रूप था, तो पुंगी को ही, जिसको बैन कर दिया था एम्परर ने, उसको एक नया रूप दे करके शहनाई नाम रख दिया गया। और शहनाई नाम क्यों पड़ा, क्योंकि शाह के चैम्बर में फर्स्ट टाइम इसको प्ले किया गया था और प्ले करने वाला एक नाई था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। तो शहनाई एक नया इंस्ट्रूमेंट आपके सामने आ गया, जो पुंगी में अमेंडमेंट करके, पुंगी में सुधार करके, पुंगी में इम्प्रूवमेंट करके बनाया गया था। पुंगी की जो आवाज़ थी वो अनप्लीजेंट थी, लेकिन शहनाई की जो आवाज़ थी, जो शहनाई नया इंस्ट्रूमेंट बना है, उसकी आवाज़ बहुत ही प्लीजेंट और बहुत ही मेलोडियस थी। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पियस, क्या हुआ स्टूडेंट्स, शहनाई की जो आवाज़ को ऑस्पियस माना जाना, ऑस्पियस का मतलब पवित्र, माने जाना शुरू कर दिया गया। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण, इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसी कारण ये आज भी कहाँ, टेम्पल्स में बजाई जाती है, मंदिरों में बजाई जाती है, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ, और इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना कोई भी पवित्र कार्य, जिसके बिना कोई भी अच्छा कार्य कंप्लीट नहीं हो सकता, उसको कहते हैं इंडिस्पेंसेबल। और इंडिस्पेंसेबल माना गया कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, के बिना नॉर्थ इंडियन वेडिंग में बिना शहनाई बजे
वो शादी संपन्न हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको एक इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट माना गया। इन द पास्ट भूतकाल में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एनसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड रॉयल कोर्ट। प्राचीन काल में क्या था, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ नौबत, नौबत का एक पार्ट था, और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, और जो 9 वाद्य यंत्र थे फाउंड ऑफ रॉयल कोर्ट्स, रॉयल कोर्ट्स में पाए जाते थे, जो शाही दरबार में 9 वाद्य यंत्र पाए जाते थे उनमें इसको स्थान मिला हुआ था। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन द टेंपल्स एंड वेडिंग्स, लेकिन अब क्या है, आजकल यूज ओनली इन टेंपल्स एंड वेडिंग, इसका प्रयोग केवल मंदिरों में और शादी के अवसर पर ही होता है। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा शहनाई बजेगी, कार्ड पे लिखा होता है शहनाई बजेगी, शहनाई बजेगी का मतलब शादी होगी, यानी शहनाई के बिना शादी संपन्न नहीं होती। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। जो श्रेय जाता है फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट इन टू द क्लासिकल स्टेज, क्लासिकल स्टेज पर इसको बजाने का, क्लासिकल स्टेज तक इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का जो श्रेय जाता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज ए 5-year-old, जब वो 5 साल का था, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गुल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड, गुल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास में इन द एंशेंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार में एक डुमराव नाम का स्टेट है, उस प्राचीन स्टेट में क्या करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास जब वो 5 साल के थे। ही वुड रेगुलर गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, लेकिन क्या करते थे वो, जब वो छोटे बच्चे थे, गुल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के पास, ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वो पास में पड़ने वाले एक बिहारी जी मंदिर पर लगातार जाते थे। क्या करने जाते थे, टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए, एट द एंड ऑफ विच, और जिसके बाद, एंड माने अंत में, ऑफ विच, जिसके अंत में ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, जिसको एक बड़ा लड्डू उसके बाद मिलता था, वेइंग 1.25 kg, 1.25 किलो का लड्डू एक प्राइज के रूप में उनको मिलता था, गिवन बाय ए लोकल महाराजा, जो एक लोकल महाराजा था वो उसको देता था, किसको, उस बिस्मिल्लाह खान को, जब वो केवल कितने थे, 5 साल के थे, और किस लिए मिलता था उनको, बिहारी जी टेम्पल में भोजपुरी चैता गाने के लिए। क्या हुआ स्टूडेंट्स, दिस हैपन दिस हैपन 80 ईयर्स है वो, ये घटना कब की है, 80 साल पहले, एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और यही फिर बाद में क्या होता है, यही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया द भारत रत्न, इसको ही 80 साल बाद फिर भारत रत्न दिया जाता है, यानी जहां वो 1.25 किलोग्राम यानी 1.25 किलो के लड्डू के लिए 5 साल की उम्र में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, वो रिवार्ड के रूप में उनको 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, उन्हीं को 80 साल बाद जो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न दिया जाता है। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह ऐसे परिवार से संबंधित थे, वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, जो संगीतकार की एक प्रसिद्ध परिवार था फ्रॉम बिहार, बिहार में। हिज ग्रैंडफादर रेजोल बख्श खान, रसूल बख्श खान, उसके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान, वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर राजा के राजदरबार के शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और जो दूसरे उसके पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वे भी महान शहनाई वादक रहे हैं। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और इस छोटे बच्चे ने भी अपने जीवन के प्रारंभ में ही संगीत को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस नव वाराणसी, जैसे ही इसकी माँ, जब ये 3 साल का था, इसको अपने मैटरनल अंकल के यानी अपने मामा के घर पे लेके गई थी बनारस में, जिसको वाराणसी कहते हैं, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स, बिस्मिल्लाह अपने मामा को जब बजाते हुए देखता था तो फैसिनेटेड हो जाता था, प्रैक्टिस द शहनाई, जब वो शहनाई की प्रैक्टिस करते थे, तो उसके मामा जब शहनाई की प्रैक्टिस करते थे उनको शहनाई बजाते हुए देख करके वो फैसिनेटेड हो जाता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और शीघ्र ही क्या किया, बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को कंपनी देना
शुरू कर दिया, यानी उनके साथ शहनाई बजाना शुरू कर दिया। अलीबक्स उसके मामा का नाम था, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, बनारस के विष्णु टेम्पल में, वेयर बक्स वाज एम्प्लॉयड टू प्ले शहनाई, जहाँ बक्स को शहनाई बजाने का रोजगार मिला हुआ था, एम्प्लॉयड किया हुआ था, उनको रखा गया था शहनाई बजाने के रूप में। तो उस विष्णु टेम्पल में अलीबक्स के साथ बिस्मिल्ला ने भी अकंपनी करना उनको शुरू कर दिया था। अलीबक्स वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। क्या होता, अलीबक्स वुड प्ले द शहनाई, अलीबक्स तो शहनाई बजाया करते थे, एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड, और जो बिस्मिल्ला थे वो कैप्टिवेटेड होकर के घंटों तक, जब तक अंत नहीं होता था, तब तक शहनाई बजाते रहते थे वो, जब तक शहनाई बजाने का अंत नहीं होता था वहाँ बैठ करके उनको देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और धीरे धीरे इस तरह से उन्होंने सीखना शुरू कर दिया कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाया जाता है। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और उन्होंने लगातार दिनों इनका बैठ करके अभ्यास करना शुरू कर दिया। फोर ईयर्स टू कम, फोर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड। क्या हुआ, फिर वर्षों तक, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, बालाजी मंदिर में एंड मंगला मैया मंदिर में एंड बैंक ऑफ गंगा और गंगा के किनारे पर बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स, ये उसके फेवरेट स्थान बन गए थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोलिट्यूड, जहाँ वो सोलिट्यूड में, सोलिट्यूड का मतलब होता अकेले, निर्जन स्थान पर वो प्रैक्टिस करते थे और लगातार अभ्यास करते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट। जो फ्लोइंग वाटर था, फ्लोइंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी, ऑफ गंगा, गंगा का, इंस्पायर्ड उनको इंस्पायर्ड करता था, प्रेरित करता, मोटिवेट करता था, हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, कि वो अपनी शहनाई वादन को इम्प्रोवाइज करें एंड इन्वेंट रागाज, और रागा, रागाज का मतलब राग, राग होते हैं जैसे राग भैरवी, राग कई सारे राग हैं जो संगीत के ऊपर हैं, और तो वो उस अपनी शहनाई पर राग का इन्वेंट, राग का आगमन करना, यानी राग का आविष्कार करना। दैट वाज अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड, जो पहले उसको क्या माना जाता था, कंसिडर टू बी बियॉन्ड रेंज ऑफ द शहनाई, की शहनाई की पकड़ से ये दूर होते हैं, शहनाई पर इनको नहीं बजाया जा सकता। लेकिन बिस्मिल्ला खान घंटों अभ्यास करते थे, दिनों दिनों अभ्यास करते थे सोलिट्यूड में जाकर के, और जो गंगा का बहता हुआ पानी था वो उनको मोटिवेट करता था कि वो अपनी जो शहनाई वादन है उसको इम्प्रोवाइज करें और रागा का उस पर इन्वेंट करें। क्या हुआ स्टूडेंट्स, एट द एज ऑफ 14, जब 14 साल की आयु थी, बिस्मिल्ला अकम्पनीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्ला ने अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल को अकम्पनी किया, उसका साथ दिया। एंड एट द एंड ऑफ रिसाइटल, और जब इस रिसाइटल का एंड हुआ, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। जो उस्ताद फैयाज खान थे उन्होंने इस बच्चे की पीठ थपथपाई एंड सेड, और क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, और मेहनत करिए आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो, और जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई इन लखनऊ, इन 1938 में, जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत होती है लखनऊ में, केम बिस्मिल्लास बिग ब्रेक। ये बिस्मिल्ला के लिए एक बिग ब्रेक बन गया। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो शीघ्र ही अक्सर शहनाई बजाते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर सुने जा सकते थे, यानी उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था 1938 में। जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत लखनऊ में होती है 1938 में, तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और बिस्मिल्ला खान अक्सर रेडियो पर शहनाई बजाते हुए सुने जा सकते थे। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, और जब 1947 15 अगस्त में भारत को आज़ादी मिली, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। और बिस्मिल्ला खान पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत का शहनाई बजा करके अभिवादन किया था, स्वागत किया था। ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इनटू राग कैफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या किया था स्टूडेंट्स, ही पोर्ड हिज हार्ट,
उन्होंने अपना दिल उडेल दिया था। पोड मीन्स होता है कलेजा निकाल कर रखना था, पोड इज हार्ट का मतलब अपना कलेजा निकाल कर रखते ना, इन टू द राग कैफी, राग कैफी उन्होंने बजाया था फ्रॉम द रेड फोर्ट से। रेड फोर्ट से जो राग कैफी उन्होंने बजाया था स्वतंत्रता प्राप्ति के अवसर पर, जो लाल किले से बजाया था टू एन ऑडियंस, दर्शकों के सामने, विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन दर्शकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्विस्ट एंड डेस्टिनी स्पीच। उन्होंने बाद में एक प्रसिद्ध और ट्विस्ट और डेस्टिनी स्पीच भी दिया था, तो वो भी उस दर्शक दीर्घा में थे जब उन्होंने राग कैफी का वादन किया था सहनाई पर ऑडियंस के सामने। क्या हुआ स्टूडेंट्स, बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्ला खान ने बहुत सारी मेमोरेबल मीन्स अविस्मरणीय, जिनको भुलाया नहीं जा सकता, परफॉर्मेंस दी बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, भारत में भी और भारत से बाहर विदेशों में भी सहनाई की बहुत सारी उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, पहला जो उनका दौरा था विदेश का, वॉज टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का था, वेयर किंग जहीर शाह, जहाँ किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाई द मास्टर ऑफ हिज गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सॉनवियर्स। क्या हुआ, पहला जो दौरा था जहाँ किंग जहीर ने, अफगानिस्तान का किंग जहीर ने बिस्मिल्ला खान को क्या दिया, टेकन इन बाई मास्टर दैट गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, यानी बेशकीमती पर्शियन कारपेट्स दिए थे और दूसरे जो गिफ्ट थे उनको दिए थे। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड, केवल किंग ऑफ अफगानिस्तान ही नहीं थे जो उससे आकर्षित हुए थे विद बिस्मिल्ला म्यूजिक, बिस्मिल्ला के म्यूजिक से, बिस्मिल्ला के सहनाई वादन से आकर्षित होने वाले केवल अफगानिस्तान के किंग ही नहीं थे, बल्कि और दूसरे लोग भी उनके सहनाई से बहुत अधिक आकर्षित हुए थे। फिल्म डायरेक्टेड विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस, फिल्म डायरेक्टर जो विजय भट्ट थे वो भी उससे इतने आकर्षित हुए, आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले, बिस्मिल्ला के सहनाई वादन को सुनने के बाद एट ए फेस्टिवल, एक फेस्टिवल में, दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, कि उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट के, इस वाद्य यंत्र के नाम पर ही एक फिल्म का नाम रख दिया, काल गूंज उठी सहनाई, जिसका नाम क्या पड़ा बाद में, गूंज उठी सहनाई। तो जो विजय भट्ट नाम के जो फिल्म डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक थे, वो एक फेस्टिवल में बिस्मिल्ला की सहनाई की परफॉर्मेंस दे करके, सहनाई के म्यूजिक को देख करके, सुन करके इतने अधिक आकर्षित हुए कि उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म का नाम सहनाई के नाम पर रख दिया, जिसका नाम था गूंज उठी सहनाई। गूंज उठी सहनाई का मतलब गूंज उठी का मतलब रीसाउंड हो जाना, और सहनाई का मतलब सहनाई, तो फिल्म का नाम ही गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, और क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये फिल्म बाद में हिट हुई, एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कंपोजिशन, और जो बिस्मिल्ला खान का एक कंपोजिशन था, जो एक गीत था, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर, पूरे देश में सुना जाने वाला रिकॉर्ड तोड़ ये गीत साबित हुआ। गीत का क्या मुखड़ा था, गीत का मुखड़ा था दिल का खिलौना हाय टूट गया, इसको बिस्मिल्ला खान ने कंपोज किया था, और ये नेशन वाइड चार्ट बस्टर, चार्ट बस्टर का मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, पहले इतना कोई गीत नहीं सुना गया, जितना अधिक यह गीत सुना गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया। क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्पाइट दिस, इसके अलावा ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, इसके अलावा डिस्पाइट मीन्स के बावजूद दिस ह्यूज सक्सेस, इस अत्यधिक सफलता के बावजूद, इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, सेलुलॉयड का मतलब उस पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर, इतनी अधिक सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी बिस्मिल्ला खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड, बिस्मिल्ला खान का फिल्मों में जो वेंचर्स था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं था, बहुत ज़्यादा वो फिल्मों की तरफ आकर्षित नहीं हुए, वो लिमिटेड था, जबकि उनको बहुत अधिक सफलता मिली थी दिल का खिलौना है टूट गया से, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो
फिल्मी पर्दे पर अभिनय करने वाला था, वो इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहा। विजय भट्ट गूंज उठी सेनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सानाडी अपन्ना। सानाडी अपन्ना किसका था? विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर था, और इससे पहले विक्रम भट्ट की आपने सुनी गूंज उठी सेनाई। इनको छोड़ करके हिसेज विद एम्फासिस, उन्होंने जोर देते हुए क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी, कि मैं कुछ भी जो करना चाहूँगा वो कृत्रिम नहीं करना चाहूँगा। आर्टिफिशियलिटी मीन्स बनावटी, जो भी कुछ करना चाहूँगा वो बनावटी नहीं हो। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और जो मैं करना चाहूँगा केवल फिल्म वर्ल्ड के ग्लैमर के लिए नहीं करना चाहूँगा। हिसेज विद एम्फासिस, उसने इस बात पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि फिल्मी पर्दे पर जो कुछ किया जाता है उसमें ओरिजिनलिटी कम होती है, बनावटीपन ज़्यादा होता है, आर्टिफिशियलिटी ज़्यादा होती है। उसने कहा कि ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड के लिए मैं आर्टिफिशियलिटी नहीं चाहता, मैं जो कुछ हूँ, मैं जो कुछ चाहता हूँ वो नेचुरल देना चाहता हूँ और वास्तविक देना चाहता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्ला खान के लिए जो अवार्ड्स थे, रिकॉग्निशन उनकी पहचान थी, वो बहुत थिक एंड फास्ट होती चली गई। बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड। बिस्मिल्ला खान पहले भारतीय थे जिनको इन्वाइट किया गया टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल पर उनको परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया गया, उनको सहनाई बजाने के लिए बुलाया गया इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए पहले भारतीय थे बिस्मिल्ला खान जिनको आमंत्रित किया गया। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी उन्होंने भाग लिया, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल में एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर पर भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी। तो इन स्थानों पर भी उनको सहनाई बजाने के लिए बुलाया गया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने वेल नोन हुए, यानी इतनी ख्याति उन्होंने अर्जित की, इतनी प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, के एक ऑडिटोरियम तेहरान में उसका नाम भी उनके नाम पर रखा गया, तोहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्ला खान। क्या नाम रखा गया? तोहर मौसिक उस्ताद बिस्मिल्ला खान। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, जो हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, जैसे कि पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, यानी पद्मश्री भी, पद्म भूषण भी और पद्म विभूषण भी उनको दिए गए, जो राष्ट्रीय स्तर के हमारे पुरस्कार हैं। इन 2001 और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न, वो दिया गया। विद द कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। इस पुरस्कार को प्राप्त करने पर, जो कॉवेटेड का मतलब जो है, कॉवेटेड अवार्ड का मतलब मच डिजायर्ड, विद द कॉवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, उसकी आंखों में एक चमक थी, विद रेयर हैप्पीनेस, एक दुर्लभ प्रसन्नता से ही सेड, क्या कहता है, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, कि जो कुछ भी मैं कहना चाहूँगा वो क्या होगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। दिस इज क्यों सिखाइए, क्यों कहना चाह रहे, क्यों कहा उन्होंने कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को संगीत सिखाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि ये भारत की सबसे अच्छी परंपराओं में से एक है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, और कहता है कि पश्चिम देश भी, पाश्चात्य देश भी अब हमारे संगीत को सीखना शुरू कर रहे हैं। इसलिए वो वहाँ ऑडियंस से कहता है पुरस्कार लेते समय, बहुत प्रसन्न चित्त, उसकी आंखों में एक चमक थी, उस चमक के साथ कह रहे हैं कि अपने बच्चे को संगीत सिखाइए, क्योंकि ये भारतीय परंपरा है, रिचेस्ट ट्रेडिशन है, और जो पश्चिमी देश हैं वो भी अब भारतीय संगीत को सीख रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार का भ्रमण करने के बावजूद, खान साहब फोनली क्या कहा जाता था, इज एक्सीडिंगली फोंड ऑफ बनारस, सबसे अधिक वो किसके फोंड थे, बनारस के, एंड ड्यूरोमोन और डुमराहों के थे,
दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑन द वर्ल्ड, क्योंकि ये उनके लिए मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड थे। यानी पूरे विश्व का भ्रमण करने के बावजूद भी जगह जगह गए वो, पता नहीं कितनी जगह गए उन्होंने विदेश का भ्रमण किया अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सबसे अधिक यदि फॉन्ड थे, सबसे अधिक प्रशंसक थे, सबसे अधिक पसंद करते थे, वो बनारस को करते थे और डुमराव को करते थे, क्योंकि ये उनके लिए वर्ल्ड के वंडरफुल टाउन्स थे, सबसे वंडरफुल थे। ए स्टूडेंट ऑफ हिस वंस वांटेड हिम टू हैड ए सैनाई स्कूल इन द USA। उनका एक स्टूडेंट था, उसने एक बार क्या चाहा, उसने एक चाहा कि वो USA में एक स्कूल खोलें और उसका हेड वो उसको बनाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस बाई रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। और उसके उनके एक स्टूडेंट ने जो चाहते थे कि USA में एक सेनाई का स्कूल खुले और उसका वो हेड उनको बनाए, और क्या कहा उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि वो रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस, कि वहाँ बनारस के एटमोसफियर को रिक्रिएट कर देंगे बाई रेप्लीकेटिंग द टेम्पल देयर, वहाँ उसी तरह के मंदिर बना करके, यानी उसी तरह का दृश्य बना करके वो चाहते थे कि USA में जहाँ वो सेनाई का स्कूल खोलना चाहते थे वहाँ एक इस तरह का दृश्य क्रिएट कर देंगे वो जो बनारस की तरह का ही होगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। उन्होंने पूछा कि ठीक है आप मंदिर बना दोगे, आप दृश्य बना दोगे, लेकिन क्या आप गंगा को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उनको ये कहते हुए याद किया जाता है, दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री। और यही कारण है कि जब भी मैं कहीं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, विदेश में होता हूँ, आई कीप, देखिए जब भी कहते हैं बिस्मिल्लाह खान कि जब भी मैं कहीं विदेश में होता हूँ, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मेरे मन में एक ही इच्छा होती है हिंदुस्तान को देख ला। व्हाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस। यानी जब वो विदेश में होते हैं तब वो अपने देश के बारे में सोचते हैं कि मैं अपने हिंदुस्तान में हूँ, जब वो मुंबई में होते हैं तो मुंबई में होने पर वो सोचते हैं आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। जब मैं अपने देश में होता हूँ यानी मुंबई में होता हूँ, तो मैं केवल बनारस के बारे में और होली गंगा, होली गंगा का मतलब पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। तो कहते हैं खान साहब ने कहा कि जब वो कहीं विदेश में होते हैं तो तब वो केवल हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं, और जब वो मुंबई में होते हैं तो वो केवल बनारस के और अपनी पवित्र गंगा के बारे में सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस, और वो कहते हैं कि जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं क्या याद करता हूँ, मैं मिस करता हूँ यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव की, उस यूनिक मट्ठा को मैं मिस करता हूँ, ऐसा उसका। शेखर गुप्ता ने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था, तो उस इंटरव्यू में शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा व्हेन पार्टीशन हैपन, कि जब बंटवारा हुआ था स्टूडेंट 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ था तो देश के दो टुकड़े बना दिए गए थे, एक टुकड़ा पाकिस्तान का जिसको कहा गया था कि वो मुसलमानों के लिए अलग से एक कंट्री होना चाहिए, दूसरा हिंदुस्तान जो रेस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए था। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया था, सभी मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए थे, कुछ मुसलमान जो अपने आप को पैट्रियट कहते थे, वो पैट्रियट यानी देशभक्त हमारे अपने हिंदुस्तान में रुके थे, और जो दूसरे लोग थे वो यहाँ से पलायन करके पाकिस्तान चले गए थे। तो यही चीज़ जब शेखर गुप्ता ने एक बार इंटरव्यू में उनसे पूछी थी बिस्मिल्लाह खान से, तो उन्होंने पूछा व्हेन पार्टीशन हैपन, कि जब बंटवारा हुआ, डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, के क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। तो बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर, उसने कहा गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर, कि मैं बनारस छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोच सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, उसने कहा कि मैं एक बार पाकिस्तान गया, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, आई क्रॉस द बॉर्डर, मैंने बॉर्डर पार किया जस्ट टू से कल ये कहने के लिए आई हैव बीन टू पाकिस्तान, कि मैं पाकिस्तान गया हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, क्या था मैं वहाँ लगभग आधा घंटा रहा। आई सेड नमस्कार, मैंने कहा नमस्कार टू द पाकिस्तान पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानीज को नमस्कार किया, एंड सलाम अलैकुम टू इंडियंस, और मैंने इंडियंस को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और ऐसा कह करके उसे बहुत अधिक हंसी आई थी।
ये रीडर डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में उनका एक इंटरव्यू छपा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये ऐसा कहा था। उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जो जीवन है परफेक्ट एग्जांपल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का, भारत की रिच और सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट एग्जांपल है बिस्मिल्ला खान का जीवन। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट ए डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, जिसको एफर्टलेसली एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, दैट ए डिवाउट मुस्लिम, कि एक डिवाउट मुस्लिम, डिवाउट का मतलब क्या, बिलीविंग स्ट्रॉन्गली इन रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस, कि एक डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम उसके जैसा कैन वेरी नेचुरली स्वाभाविक रूप से प्ले कर सकता है सहनाई एवरी मॉर्निंग हर सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल में उसके जैसा डिवाउट मुस्लिम वो रोजाना मंदिर में, काशीनाथ विश्वनाथ मंदिर में सहनाई प्ले कर सकता है। उस्ताद बिस्मिल्ला खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्ला खान की डेथ हो गई एट द एज ऑफ 90 वर्ष की आयु में, आफ्टर ए प्रोलोंग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और उनकी मृत्यु पर उनको राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, और जो भारत सरकार थी, भारत सरकार ने उनकी मृत्यु पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया था, और उसको राष्ट्रीय क्षति माना था। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये था आपका साउंड ऑफ द म्यूजिक पार्ट सेकंड, जिसमें सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में और उनकी सहनाई के बारे में डिटेल से बताया गया आपको। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आपको समझ आया नहीं। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वायरी है, तो आप कमेंट में करके छोड़ दीजिए, मैं आपको कमेंट के द्वारा ही उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।